देखा, मैं कह रही थी ना, कहा था मैंने कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये एक उम्र गुजारी है हमने। मरीज का चेहरा देख के बता देते हैं कितने दिन रहेगा अस्पताल में। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, जाओ जरा हादसे को गाड़ी निकाले फटाफट, हम सब यहाँ से साथ ही जाएंगे। जी जाओ। हाय थक गई मैं तो खड़े खड़े। मैंने मना किया था ना कि अंदर मत आना। ये पकड़ो अपने पैसे और निकलो यहां से। हो गया ना तुम्हारा काम, और निकलो मेरे घर से, जल्दी जाओ शाहरुख, निकलो मेरे घर से। क्या हो गया तुम्हें, भरोसा नहीं मुझे? नहीं, मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। घर से अभी के अभी निकलो, घर वाले आ जाएंगे मेरे। पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, कोई छाई छाई नहीं पिला हुई क्या? तुम्हें तो मैं खड़े खड़े जहर दे दूँ। दफा हो घर से, अम्मा किसी वक्त भी आ जाएंगी शाहरुख। तो मैंने कहा था मुझे घर बुलाओ, मैंने कहा था, बुलाने से पहले सोच रहा था ना ये, हाँ? और घर बुलाए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करोगी अब तुम? गलती हो गई, निकलो यहाँ से, पैसे मिल चुके हैं, मेरी जान छोड़ो इस किस्से को, जाने दो सिर्फ यहाँ से, जाओ यहाँ से शाहरुख, अम्मा कभी भी आ जाए। कौन है? महाज, निकलो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मैं पता नहीं, गेट से चला जाता हूँ। दिमाग खराब है, वहाँ जाऊँ मैं, वहाँ पे दीवार है, पीछे वाली दीवार से खिलाऊ, दीवार नहीं कूदूंगा मैं, पागल हो गई हो तुम? फटेगी नहीं, तुम मार देगी तुम्हें, जाओ। कितनी रही थी दरवाजा, हाँ कितनी देर से खटखटा रहे हैं, कब से खड़े हैं? सलामुअलैकुम मामी जान। आओ 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 हमीदा, अंदर चले मैम। हाँ लेकर चलो इसे, ध्यान से एहतियात से। आओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही घर है, यही रहने तुमने। हम Thank you.
आखिर जिंदगी में कम मुसीबतें थी जो ये मुसीबत भी मेरे सर ला के बिठा दी है। ये जीप तमाशा सब बर्दाश्त कर। क्या बड़बड़ा रही है, क्या बड़बड़ा रही है, मुंह क्यों बना रहा है? कह के गई थी ना उन लोगों को लेकर आऊंगी। सही बात है, इतनी मुश्किल से जान छुड़वाई थी, मेरे सर पे लाके बिठा दिया उनको। बकवास मत कर, मैंने कह दिया कि वो लोग यहाँ रहेंगे तो बस यही रहेंगे, तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की ना पहली लड़की होंगी मैं जो शादी करके ससुराल आई और पूरा मैका भी साथ लेकर आई है। तो फिर दुनिया की ना मैं पहली माँ होंगी जो अपनी बेटी का मुंह खोलते हुए पानी में दे देगी। चाय बना अच्छी तरह से लेकर आ, और अगर कोई दरवाजे का पूछे तो कहना मुसल्ले पे बैठी थी, हमीदा के लिए दुआएं कर रही थी, इसलिए जल्दी से उठकर दरवाजे तक नहीं आ सकी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तूने जबान अंदर रखनी है और आंखें नीची। तुझ में और सारा में जमीन और आसमान का फर्क नजर आना चाहिए। वहाज को एक लम्हे के लिए ये एहसास ना हो कि उसका फैसला गलत है। तो बस कर दे, बस करते, पता है मुझे इतने ड्रामे करवा चुकी है ना आप मेरी जिंदगी में मुझसे कि मुझे लगता है मुझे ड्रामों में चले जाना चाहिए था। नया दिन नई किस्त। अगर ऐसी बात है ना तो फिर तू भी दुआ कर इस ड्रामे की आखिरी किस्त कहीं मेरे हाथों से ना हो जाए। चाय ले, ज़बान चला ले, हर वक्त ज़बान चलाती। बात सही है गलत, लेकिन आज जब मैं दफ्तर से निकला तो घर जाने के बजाय मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए। प्लीज चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी इन्हें हॉस्पिटल। क्यों, मैं क्यों नहीं ले जा सकता? इतना अजनबी हूं क्या मैं? क्यों इतना अजनबी कर दिया तुमने मुझे? कि दोस्तों से मदद मांग सकती हो तुम, लेकिन मुझसे नहीं कह सकती। क्या हो जाएगा अगर तुम और मामी हमारे पास आके रहेंगे? तो सारा हम क्या ये सब कुछ भूल नहीं सकते।